हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो YT। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अगेन एक न्यू मॉन्स्टैक प्रोजेक्ट, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की, साथ ही में हमने मॉन्स्टैक प्रोजेक्ट पर भी काम नहीं किया। तो एज अ रिफ्रेशमेंट हम क्या करेंगे, कोई एक छोटे प्रोजेक्ट से जो है अभी स्टार्ट करेंगे, फिर वापस से जो है लार्ज स्केल एप्लीकेशन जो है मॉन्स्टैक की मदद से क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल इस सीरीज में हम क्या करेंगे, एक टू डू एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे मॉन्स्टैक की मदद से। तभी मैंने इसको कंप्लीट किया हुआ नहीं है, मैं फिर भी एक छोटा सा डेमो बताता हूँ जहाँ तक मैंने इसको कंप्लीट करके रखा है। फिलहाल देखिए मैं आपको बैकएंड बता देता हूँ। यहाँ पर VS Code में आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लाइंट और फिर डायरेक्ट रूट में हमारे पास क्या है, नोड सर्वर का कोड है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको क्रिएट किया है। और साथ ही में अगर अभी देखेंगे तो इसमें एक ही यूज़र मॉडल है जिसमें हमारे पास यूज़र की डिटेल्स है, उसमें यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और फिर टाइम स्टैम्प है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, फिलहाल मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अभी मैंने जो है इस पर काम करना स्टार्ट किया है। और अगर इसका फ्रंट एंड बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका होम पेज रहेगा। यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं या फिर लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्म आएगा, उसी तरीके से अगर लॉगिन पर क्लिक करना है तो यहाँ पे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। मैं लॉगिन करके बताता हूँ, अभी मैंने इस पर काम करना स्टार्ट नहीं किया है, बेसिक यहाँ पर लॉगिन फॉर्म तक ही इसको कम्प्लीट करके रखा है। यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ, पासवर्ड ऐड कर देंगे और लॉगिन। तो कुछ इस तरीके से टोस्ट नोटिफिकेशन और फिर ये होम पेज रहेगा। उसके बाद में हम यहाँ पर नेविगेशन, फिर जितने भी यूजर के रिलेटेड टास्क है वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे, कैसे हम टास्क को क्रिएट कर सकते हैं तो वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल मैंने इसको कम्प्लीट करके नहीं रखा है, इंस्पेक्ट करेंगे। और यहाँ से अगर आप स्टोरेज में जाएंगे, फिलहाल मैं फायरफॉक्स पे हूँ, आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं, गूगल क्रोम यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर है। यहाँ पर लोकल होस्ट पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर यूजर की सारी डिटेल्स, यानी जब भी यूजर लॉगिन होगा तो उसकी डिटेल्स जो है लोकल स्टोरेज में भी स्टोर हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास सारा डेटा टूडू का जो है MongoDB डेटाबेस में जो है ऐड होता रहेगा। तो ये एप्लीकेशन हम इस वीडियो सीरीज में कवर करेंगे और इसको जल्दी रैपअप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बाद में फिर हम कोई और जो है बड़ा प्रोजेक्ट देख लेंगे मॉन्स्टैक में। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक सेटअप देख लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट देख लेंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर या फिर सेटअप आपको पहले करके रखना है ताकि आप जो है मॉन्स्टैक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर पाए। और साथ ही में अगर आपको और भी मॉन्स्टैक के ट्यूटोरियल देखना है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करिए, काफी सारे ट्यूटोरियल्स आपको इसमें मिल जाएंगे। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे, और आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर Node.js को इंस्टॉल करेंगे। देखिए कंप्लीट इंस्टॉलेशन का सेटअप तो मैं नहीं बताऊंगा, बहुत बेसिक है, सिंपली आपको इसको डाउनलोड करके नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप Node.js की ऑफिशियल वेबसाइट Node.js.org पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस नजर आएगा। तो ये अभी अपडेटेड इंटरफेस है, हो सकता है थोड़ा बहुत माइनर आपको इसमें चेंजेस देखने मिले। आप यहाँ पर डाउनलोड पर भी क्लिक करेंगे तो अगर आपको कोई प्रीवियस वर्जन चाहिए, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, डाउनलोड पर क्लिक करिए। अगर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दूसरा है तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, macOS, Linux, ज्यादातर तो आपको विंडोज या फिर मैक ही देखने मिलेगा, तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जितना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि 64-bit या फिर 32-bit, तो यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। वर्जन का इशू आ रहा है तो आप यहाँ से देखिए वर्जन भी चेंज कर सकते हैं, करंट वाला मत यूज करिए, इसमें जो है लेटेस्ट फीचर जरूर रहते हैं लेकिन फिर उसमें बग्स भी रहते हैं, इनकेस अगर कुछ एरर आता है तो फिर प्रोडक्शन पर वो थोड़ा सा दिक्कत देंगे आपको। तो बेटर है आप जो है LTS वर्जन के साथ में जाइए, करंट में भी देखिए फिलहाल है 20.13। अगर मेरे केस में मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ Node-V, तो मेरे केस में देखिए अभी 18.15 है, तो एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए, इसके अबव वर्जन है। हो सकता है आप ये वीडियो फ्यूचर में देखें तो यहाँ पर 20 से अबव आपको देखने मिले, जैसे कि करंट में आपको 22.1 देखने मिल रहा है, तो ये LTS में आ जाएगा। LTS मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, स्टेबल वर्जन होता है, करंट मतलब फिर बीटा की तरह वो काम करता है, लेटेस्ट फीचर रहते हैं लेकिन उसके साथ में फिर वो स्टेबल नहीं रहते, उसमें कुछ ना कुछ इशू आपको देखने मिलता है। तो उससे बेटर आप LTS वर्जन डाउनलोड करिए, प्रीवियस वाला भी अगर आपको कोई LTS वर्जन डाउनलोड करना है तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड करते नीचे स्क्रोल करिए, काफी वर्जन आपको इसमें देखने मिल जाएंगे। अभी फिलहाल में देखिए यहाँ पर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 20.13 है, हो सकता है फ्यूचर में अगर आप वीडियो देखें तो इसका हायर वर्जन आपको देखने मिल सकता है। सो मेक श्योर इसको डाउनलोड करिए। इसके साथ में देखिए नोड पैकेज मैनेजर भी आपको मिलता है, फिर से एक बार बता देता हूँ, npm करके आप
टर्मिनल में जो है सर्च करिए npm dash v। तो यहाँ पर आपको देखिए पैकेज मैनेजर भी शो करेगा 18 पॉइंट के साथ में, 9.5 का यहाँ पर पैकेज मैनेजर है। और अगर आप 20 वाला जो है डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ में देखिए 10.5 का npm पैकेज मैनेजर आपको देखने मिलेगा। सो मेक श्योर आप ये वाला डाउनलोड करिए। सिंपल आपको इसको डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना, इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करिए, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर एक्सप्रेस जेएस का यूज करेंगे। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, एपीआई को क्रिएट करते हैं। आई होप आपको बेसिक पता होगा एक्सप्रेस जेएस क्या है, कैसे काम करता है। अगर बेसिक भी आइडिया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम फ्रॉम द स्क्रैच यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और एमवीसी पैटर्न पर हम यहाँ पर काम करेंगे। तो एक्सप्रेस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, REST APIs को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि नोड जेएस क्या करेगा, सिर्फ कंटेनर का काम करेगा, बाकी का काम हमको एक्सप्रेस की मदद से यहाँ पर करना है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, क्रिएट रिएक्ट ऐप का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो नेक्स्ट जेएस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक टू डू एप्लीकेशन देख रहे हैं, तो फिलहाल हम क्या करेंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप के साथ में इसको कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम क्या कर लेंगे, नेक्स्ट जेएस के साथ में कोई और प्रोजेक्ट देख लेंगे। इसके बाद में हम डेटाबेस के लिए जो है MongoDB क्लाउड का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आप लोकल अपने सिस्टम पे जो है MongoDB डेटाबेस को रन करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करें, पहले शुरू प्रोडक्ट्स पर क्लिक करिए। यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको कम्युनिटी एडिशन मिल जाएगा। देखिए इसका लेआउट थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने मिल सकता है, जब भी आप वेबसाइट को चेक करें तो काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सिंपल आप क्या करें, देखिए कम्युनिटी एडिशन है, इस पर क्लिक करिए। इसको आपको जो है लोकली अपने सिस्टम में डाउनलोड करना पड़ता है। देखिए डाउनलोड कम्युनिटी, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद और एक एक पेज पे आपको रिडायरेक्ट करेगा, नीचे स्क्रॉल करिए। आप चाहे तो इसका जिप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर देखिए एरो पर क्लिक करिए जिप, और इसको आप यूज कर सकते हैं। MSI एग्जीक्यूटेबल फाइल भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली तो डिटेक्ट कर लेता है वो, इनकेस अगर नहीं कर रहा है तो आप मैनुअली यहाँ से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड करेंगे तो लोकली आप अपने सिस्टम में MongoDB डेटाबेस को यूज कर सकते हैं, या फिर इससे बेटर आप क्लाउड डेटाबेस का इस्तेमाल करिए। 512 MB हमको फ्री मिलता है तो वो इनफ है, बहुत सारे हमारे बेसिक प्रोजेक्ट्स उसमें कवर हो जाते हैं। तो अगर आपको क्लाउड डेटाबेस नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका जो है MongoDB वाले वीडियो में बता दूंगा कैसे हम नोड के साथ में सेटअप करेंगे, तो उसमें फिर इसका इंस्टॉलेशन भी बता दूंगा क्लाउड एटलस का। अभी फिलहाल कम्युनिटी सर्वर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लोकली आपको जो इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, इंस्टॉलेशन के बाद अगर आपको चेक करना है तो शेल का भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर इसके साथ में हमको कॉम्पस भी मिलता है। प्रोडक्ट्स पर क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए कॉम्पस करके ऑप्शन आपको देखने मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। तो कॉम्पस क्या है, एक GUI टूल है, यानी कि इसमें आपको ग्राफिकल इंटरफेस मिलता है। सिंपल आप डाउनलोड नाउ पर क्लिक करिए, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। आप इसको भी जो है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। क्या करेंगे, सिंपल आपको GUI इंटरफेस यहाँ पर देगा, और इसका कोई फोटो है क्या वो भी चेक कर लेते हैं। बैक कर लेता हूँ मैं एक स्टेप, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं यहाँ पर कुछ है क्या, तो इसकी फोटो तो नहीं है। आप इसको जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉलेशन के बाद में सिंपली आपको लोकल होस्ट तक कनेक्ट होना है। काफी बेसिक है, इतना तो आप कर ही लेंगे, सो डोंट वरी। रीड द डॉक्स पर देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर व्यू इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन भी है, तो आप अपने हिसाब से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारा सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बहुत बेसिक है, नॉर्मल आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पर इसका भी इंस्टॉलेशन है। अगर आप क्लाउड यूज करेंगे तब भी आपको कॉम्पस लगेगा, सो मेक श्योर कॉम्पस को तो आपको मस्ट है डाउनलोड करके रखना है। तो सिंपली प्रोडक्ट्स पर क्लिक करिए, कॉम्पस, कॉम्पस पर क्लिक करने के बाद आपको इसको डायरेक्ट डाउनलोड करना है। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप इसको डाउनलोड करके रखें। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर के लिए जो है विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करने वाले हैं। आप चाहें तो कोई भी टेक्स्ट एडिटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड में काफी अच्छा इंटेलिजेंस आपको देखने मिलता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें मैं कौन सा एक्सटेंशन यूज करता हूँ वो भी मैं आपको स्टार्ट में बता दूंगा, ताकि आप भी जो है थोड़ा सा फास्ट यहाँ पर कोडिंग कर पाए। और भी अगर आपको कुछ प्रोडक्टिविटी देखना है तो सेपरेट इसके ऊपर भी एक प्लेलिस्ट है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। टोटली मैंने उसमें कस्टमाइजेशन बताया है, VS कोड आप कैसे टोटली कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी देखिए इलेक्ट्रॉन जेएस की मदद से बना है, तो जावास्क्रिप्ट का ये एडिटर है और काफी पावरफुल एडिटर है जावास्क्रिप्ट। या फिर अगर आप मर्न स्टैक, मीन स्टैक, इस पर काम करते हैं तो आपके लिए मस्ट है आप विजुअल स्टूडियो कोड में ही काम करें। तो यही थे बेसिक सेटअप। आप चाहे तो गिटहब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गिट का भी यूज कर सकते हैं। हम अभी जो है गिटहब और गिट यहाँ पर नहीं देखने वाले, फिलहाल हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करेंगे और गिटहब पर अपलोड करेंगे। कैसे करना है वो भी हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि अभी देख के मतलब नहीं है।
इसीलिए हम क्या करेंगे इसको लास्ट में देख लेंगे जैसे हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। और इसका होस्टिंग भी अगर आपको देखना है तो आप कमेंट आउट जरूर करें, देखेंगे फिर हम क्या करेंगे इस प्रोजेक्ट को भी होस्ट करने का ट्राई करेंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे नोड जेएस का सेटअप देख लेंगे और साथ ही में वीएस कोड के एक्सटेंशन भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या एक्सटेंशन मैं यूज करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे प्रोजेक्ट सेटअप देख लेंगे।